आप सभी का स्वागत है इस मेरे रात्रि ब्लॉग में। तो गाइस एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि मैं रात में ब्लॉग कर रहा हूँ दोस्तों। सो वो रीजन ये है कि हमारे गांव में जो 2 जन एक्सपायर हो गए और इसी वजह से मैं दिन में अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। तो गाइस मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ कि उन लोग की आत्मा को शांति मिले। आप लोग भी भाई कुछ सेकंड के लिए उन लोग के लिए दुआ कर दो कि उनकी आत्मा को शांति मिले गाइस। और फिलहाल अभी हम चलते हैं गाइस अपने चौराहे पे, क्योंकि वहाँ पे एक फायर पान मिलता है भाई, जो कि बहुत ही फेमस है। वो टप्पी अपने दोस्त की मोनू भाई की है। तो भाई ने आज फोन किया कि आओ आज आपको हम फायर पान खिलाते हैं। तो दोस्त मैं सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए कि हमारे यहाँ फायर पान बहुत ही फेमस है गाइस। तो चलिए चलते हैं अभी मोनू भाई की दुकान पे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल गाइस हम अपने चौराहे पे आ गए हैं और ये पीछे रही मोनू भाई की दुकान, और इसका भी हम सिनेमैटिक शॉट देते हैं आपको अच्छे से। भाई की ये दुकान और गाइस फुल्ली लोडेड रहती है। यहाँ पे एटीएम पेटीएम सेटीएम सब कुछ अवेलेबल भाई इधर है। आप कैसा भी पेमेंट करो ले जाओ, पान का हर एक पान मिलता भाई इधर, और जिसका मसाला जितना सब कुछ मिलता भाई, और अच्छी कचरी ये सब चीज़ वगैरह, और ये सब मतलब चॉकलेट कैंडी क्रश और ये सब क्या बोलते हैं हम डेयरी मिल्क चॉकलेट एक्स वाई जेड हर एक चीज़ मिल जाएगा गाइस आपको। अभी अंदर चल के दिखाते हैं। तो फिलहाल भैया मोनू भाई की दुकान के अंदर आ गए हैं और इनके पास एक म्यूजिक सिस्टम है भाई, और ये म्यूजिक सिस्टम गाइस बहुत ही शानदार चलता है। और यहाँ पे इतना भीड़ रहता है गाइस कि अगर मैं भीड़ और अगर मैं 5 से 6 बजे के बीच में आओ तो पान लग ही नहीं पाता और ना ही वीडियो बन पाता। और यहाँ पे गाइस हर एक गाड़ी रुकती है, थार वाले रुकते हैं, फॉर्चुनर वाले रुकते हैं, क्रेटा वाले रुकते हैं, सभी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं भाई, एक से एक लग्जरियस गाड़ियाँ भाई रुकती हैं। मोनू भाई का पान यहाँ पे इतना फेमस है गाइस, अगर आप कभी आइएगा हमारे बस्ती जिले में तो मोनू भाई के यहाँ से एक बार पान जरूर आप खा के जाइएगा दोस्तों। तो फिलहाल गाइस आप देख सकते हो मोनू भाई का ये सब सामग्री है जो कि ये सब पान में डालते हैं अपने। फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमारे फायर पान खाने के लिए मोनू भाई की दुकान से तो फायर पान वो मैं हम मीठा वाला लगवाएंगे गाइस, सुरती वाला लगवाएंगे तो हम मात जाएंगे और घर तक नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। तो जो मीठा पान लगाते हैं ये कलकत्ता वाला पान रहता है, जो मीठा पान रहता है वो इसी पत्ते का बनता है जो कि आप देख सकते हो, और ये बहुत ही महंगा मिलता है दोस्तों। तो चल भैया आप देख सकते हो मोनू भाई ने पान लगाना स्टार्ट कर दिया है, और ये कत्ता चूना लग गया गाइस। ये ब्रास आ गया भाई, ये केवड़ा जल है, ये खस। तो बाबा की मिंट वाली चटनी, अब इसको करेंगे मिक्स।
फिलहाल भैया अब टाइम आ गया है पान को फायर करने का, तो आप देख सकते हो। आप फिलहाल भाई अब पान फायर हो चुका है और इनका पान एक बारी में कोई नहीं खा सकता गाइस, तो देखते हैं आज चैलेंज क्या हम खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं। भाई साहब सनोज भाई का पारी है पान खाने का, फायर पान। ओ भाई सनोज भाई ने एक बारी में खा लिया। फर्स्ट टाइम फायर पान का भाई स्वाद चखा है और आधा ही खा पाए हैं और आधा तो खा नहीं पाए, पर सनोज भाई पूरा खा लिए। भाई अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर हमारे चैनल पे आप नया आ जाओ तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।